हेलो गाइस सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग अब हार्वेस्टिंग क्या होता है सो so, अब हमने इसमें जितने भी मेन्योर्स वगैरह थे वो ऐड कर दिए लास्ट क्या आपको याद है ना लास्ट सेशंस में हमने किया मेन्योर्स ऐड करना फर्टिलाइजर ऐड करना इरिगेशन करना उसके बाद वीट्स को रिमूव करना सो नाउ फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर सेकंड लास्ट स्टेप जो हमारे पास सेवंथ स्टेप्स थे उसमें ये सेकंड लास्ट है हार्वेस्ट करना अब हार्वेस्टिंग क्या होता है हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर अब देखो वहां पे जिस फील्ड में आपने क्रॉप ग्रो करी है वो किसके लिए करी है फॉर यूजिंग करेक्ट सो जब वो मेच्योर हो जाती है तो उसको कट डाउन करना पड़ेगा जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो लार्ज स्केल पे कटिंग हो रही है क्रॉप्स की करेक्ट सो so, अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग ठीक है आगे बढ़ते हैं सो मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग अब हार्वेस्ट करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी टू मेथड्स हार्वेस्टिंग इज डन बाय टू मेथड फर्स्ट इज मैनुअल मेथड वेयर अ सिकल इज यूज पहला है हैंडमेड मेथड या हम कह सकते हैं मैनुअल मेथड जिसमें सिकल यूज़ करते हैं। सेकेंड इज दर अज मशीन कॉल हार्वेस्टर इज यूज सो दो मेथड है एक मैन्युअल है एक मतलब एक मैन्यूअल इन द सेंस ह्यूमन लेबर लगेगी उसमें और एक थ्रू मशीन्स होगा ठीक है सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज Threshing. अब अब threshing क्या होता है? हमने देख लिया कि जो हुई थी, कट मतलब डाउन कर लिया चाहे मैन्युअली किया हो चाहे मशीन की हेल्प से किया नेक्स्ट चीज है थ्रेशिंग अब थ्रेशिंग में क्या होता है लूजिंग दी ग्रेन फ्रॉम दी शाफ अब देखो कट होने के बाद जैसे आप इस लेडीज के हाथ में देख सकते हो एक इस तरह से पूरा उन्होंने बंडल प्रिपेयर कर लिया अब इसको क्या किया जाता है जैसे यहाँ पे जो ये पार्ट पड़ा हुआ है इसके ऊपर इसको बीट किया जाता है मतलब इस पूरे को पकड़ के बार बार उसपे मारा जाता है उससे क्या होता है जितना भी इसमें छोटे छोटे सा कूड़ा डस्ट वगैरह होगा वो सारा सेपरेट हो जाएगा ग्रेन से ठीक है जो while it can be done manually these days a machine is used that separates all the grain seeds so वैसे तो ये manually आपने देखा इस method से हो सकता है otherwise also not only this और भी बहुत सारे methods होते हैं जिसमें ये चीज किया जाता है but they are saying manually करने की जगह आज के time में machines का भी इन चीजों में use होता है okay moving to the next one सो so, ंग क्या होता है इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द दैफ यूजिंग द हेल्प ऑफ द विंड अगेन यहां पे सेम चीज हो रही थी मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ एक मेथड नहीं है बहुत सारे मेथड्स है सो so, ये भी एक प्रोसेस है सेपरेट करना है ग्रेन सीड्स को शैफ में से अब यहां पे क्या हो रहा है विंड की हेल्प से किया जा रहा है विंड की हेल्प से कैसे किया जाता है अगेन लुक एट दिक्चर सो यहाँ पे क्या हुआ उन्होंने सारी जो चीजें हैं, वो इसमें कलेक्ट कर ली नाव जहां पे विंड ब्लो हो रही है क्या होता है जब विंड ब्लो होगी तो ग्रेन के जो पार्टिकल्स है वो तो है लेकिन जो डस्ट वगैरह जो शाफ बाकी चीजें होंगी उसको क्या करेगा विंड ब्लो करके ले जाएगा राइट सो so, नीचे जो हैवी ग्रेन पार्टिकल्स है वो सारे कलेक्ट हो जाएंगे ठीक है सो ड्यू टू अवे एंड यही मैंने भी आपको समझाया विंड की हेल्प से जो लाइटर शाफ है वो फ्लाई अवे करते हैं एंड जो हेवी वाले ग्रेन है वो नीचे गिर जाते हैं सारे ओके मूविंग टू हमारे पास टॉपिक है स्टोरेज जो कि होगा हमारा सेवन टॉपिक सो लेट्स क्विकली गेट टू दिस टॉपिक So now our next topic is storage. अब storage क्या होता है ये हमारा पहली बात तो जो हम agriculture practices पढ़ रहे थे उसका last topic है So स्टोरेज ऑफ दी ग्रेन्स इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर अब देखो एक साथ जब आप हार्वेस्ट करोगे इतनी सारी ग्रेन्स आपके पास कलेक्ट हो गई आप डायरेक्ट तो उसको सप्लाई नहीं कर सकते तो उन सभी ग्रेन्स को स्टोर करके रखना पड़ता है सो आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप द रेडी ग्रेन्स मतलब जो ग्रेन्स रेडी हैं आर स्टोर्ड इन ग्रैनरीज और सिलोज तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे जहां पे सारी ग्रेन्स को रखा जाता है सो द ग्रेन टू बी स्टोर वेरी इंपॉर्टेंट की जो ग्रेन्स है उनको एक ड्राई प्लेस पे रखना पड़ेगा दैट डज नॉट है फंगल इन्फेक्शन अब देखो अगर आप किसी गीली जगह पे रख दोगे और ग्रेन्स उन्नी गीली जगह पे पड़ी रहेंगी तो देर आर चांसेस के उसपे फंगस ग्रो हो जाएगी सो so, देरपोर ऐसी जगह रखना पड़ता है जो की प्लेस ड्राई हो एंडल इंफेक्शन से फ्री होबाउट स्टोरेज okay? so, अब यहाँ पे एक वर्ड आया था ग्रेनरीज वॉट इज दिसनरीज एट द्लेस वेयर देशली ऑप्टेन फूड ग्रेन आर स्टोर आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो कितना लार्ज अमाउंट में फूड ग्रेन्स को स्टोर कर करके रखा जाता है ठीक है सो यहाँ पे इन प्लेसेस पे फूड ग्रेन को स्टोर करा जाता है जब तक उनकी सप्लाई जब आगे देनी होगी जब डिमांड आएगी तो वो जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से सप्लाई दे सकेंगे तो so, यहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है नाउ लेट्स क्विकली गेट टू अ वेरी स्मॉल टॉपिक विच इज एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है बहुत सिंपल सा वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा बट इट सिंपली मीन्स एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड एंड केयर ऑफ़ फ़ार्म एनिमल्स फॉर मिल्क एग और मीट सो फार्म एनिमल्स की केयर की जाती है दैट इज एनिमल हजबेंड्री अब फार्म एनिमल्स की केयर क्यों करी जाती है और कौन से होते हैं वो एनिमल्स या उनकी केयर होती है जो हमें मिल्क देते हैं एग देते हैं या मीट का काम करते हैं ओके सो उन एनिमल्स की केयर करना इन सब चीजों के लिए दैट इज एनिमल हजब ओके सो विथ दिस वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर यहाँ पे मतलब हमने सारे चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर लिए अब हमारे पास आएंगी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर सो आई क्विकली गेट टू दी एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर